नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, अर्थशास्त्र विभाग सहायक आचार्य, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से। शिक्षार्थियों, आज हम उपभोक्ता व्यवहार का विश्लेषण पर चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे उपयोगिता पे, उपयोगिता, उपभोक्ता व्यवहार विश्लेषण, अर्थशास्त्री दो सिद्धांतों उपयोगिता विश्लेषण उदासीनता वक्र विश्लेषण से करते हैं। उपयोगिता विश्लेषण प्राचीन विधि है जिसे मार्शल के उपभोक्ता मांग सिद्धांत के आधार पर माना जाता है, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री उपभोक्ता के मांग का अध्ययन उदासीनता वक्र विश्लेषण की सहायता से करते हैं। उपयोगिता का अर्थ हम पहले समझ लेते हैं। किसी वस्तु या सेवा द्वारा किसी मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता या शक्ति, अर्थात वह वस्तु, अर्थात वस्तु की वह शक्ति, गुण या क्षमता जिससे किसी व्यक्ति की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सकता है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, उसे उपयोगिता कहते हैं। अब हम उपयोगिता पे विभिन्न अर्थशास्त्रियों के मतों को जानेंगे। पहले अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर टॉमस के अनुसार, उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति है जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तु में निहित होती है। फिर दूसरे अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर ईवा, इन्होंने कहा कि उपयोगिता अर्थशास्त्रियों के लिए मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है, अर्थात आवश्यकता की पूर्ति का गुण ही उपयोगिता है। यह एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जो उपभोक्ता की मानसिक संरचना पर निर्भर करती है। उपयोगिता प्रत्येक व्यक्ति के लिए समय एवं परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। अब उपयोगिता की विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उपयोगिता की विशेषताएं क्या होती हैं? यह एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जो केवल महसूस की जा सकती है, जो व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण द्वारा ज्ञात हो सकती है। तो अर्थशास्त्रियों ने बताया कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे कि हमको प्यास लगी है और हम पानी से जो है पानी से अपनी प्यास बुझा ले रहे हैं, तो पानी में उपयोगिता है हमारे प्यास को बुझाने की या संतुष्ट करने की, प्यास को हमारे समाप्त करने की, लेकिन उसको हम जो है महसूस कर सकते हैं। उसको जो है अगर कोई पूछे कि आपकी प्यास कितनी बुझी, तो हम उसको मात्रा या संख्या में नहीं बता सकते हैं, हम उसको केवल महसूस करके बता सकते हैं हाँ हमारी प्यास बुझी हुई है। तो दूसरा विशेषता है, इसका कोई भौतिक आकार नहीं बल्कि यह अमूर्त होती है। तो उपयोगिता का कोई भौतिक आकार नहीं होता है। वही आपको बता रहे हैं कि अगर कोई आपको प्यास लगी है या कोई कहता है कितना प्यास बुझी है आपकी, तो आप बता नहीं पाओगे उसको, आप जो है उसका कोई भौतिक आकार नहीं है, आप उसको फील करके ही, महसूस करके ही बता पाओगे। उपयोगिता एक सापेक्षिक धारणा है जो स्थान, समय, उपभोक्ता की इच्छा, रुचि के अनुसार बदलती रहती है। तीसरी विशेषता इसकी है कि एक सापेक्षिक धारणा है जो उपभोक्ता की इच्छा, रुचि, स्थान और समय के साथ साथ बदलती रहती है। जैसे हम समझते हैं कि ठंडी के दिनों में हमको स्वेटर, कंबल की उपयोगिता अधिक होती है, जबकि जैसे ही गर्मी आती है स्वेटर और कंबल की उपयोगिता हमारे लिए नगण्य हो जाती है। तो समय और स्थान के साथ साथ जो है बदलती रहती है उपयोगिता। स्थान से अभिप्राय है कि जैसे हम अभी ठंडे प्रदेशों में जाएंगे तो स्वेटर और कंबल की उपयोगिता हमारे लिए अधिक होगी, जबकि अगर गर्म प्रदेशों में जाएंगे तो हमको स्वेटर, कंबल की उपयोगिता हमारे लिए कम होगी या नगण्य होगी। उपभोक्ता की इच्छा भी उपयोगिता पे निर्भर करती है। उपभोक्ता की इच्छा, मान लीजिए हमको, हमारी इच्छा है मीठा खाने की और हमको तीखा दिया गया, तो हमारे लिए तीखे की उपयोगिता नहीं होगी, जबकि मीठा खाने की उपयोगिता हमारे लिए अधिक होगी। तो ये जो है हमारी इच्छा और रुचि के अनुसार भी उपयोगिता बदलती रहती है। और ये उपयोगिता
वस्तुओं में निहित होती है जो लाभकारी और हानिकारी दोनों होती है, जैसे जैसे कि दूध, अंडा, फल, सब्जी हमारे लिए लाभदायक होती है, उसमें उपयोगिता है, जबकि शराब, सिगरेट, गांजा, अफीम हानिकारक वस्तुएं हैं जिसमें भी उपयोगिता होती है, जो कि नशा करने वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी होती है, दवाओं में भी उपयोग होता है। तो ऐसा नहीं है, उपयोगिता वस्तुओं में हानिकारक भी होती है और लाभकारक भी होती है। तो अब हम समझ लेते हैं उपयोगिता एवं संतुष्टि में अंतर क्या होता है। उपयोगिता वस्तु में निहित होती है, जैसे पानी में हमारे प्यास को बुझाने की उपयोगिता है, लेकिन जब तक उसका उपभोग हम नहीं करेंगे तो उससे हमको संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी। उपयोगिता तो है उसमें पानी प्यास बुझाने की, लेकिन जब हम उसको पानी पीते हैं, उसका उपभोग करते हैं, तब हमारी हमको संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ये जो है, ये उपभोक्ता की तीव्रता, इच्छा की तीव्रता पर भी निर्भर करती है। अगला, हम उपयोगिता का मापन कैसे करते हैं, इसके बारे में भी जो है हम चर्चा करते हैं। यह एक अमूर्त एवं परिवर्तनशील है। उपयोगिता को अप्रत्यक्ष रूप से दो गणितीय विधियों, गणनावाचक एवं क्रमवाचक रूप में मापा जाता है। गणनावाचक विधि, जिसे मार्शल तथा अन्य अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने पर मापने का प्रयास किया, तो मार्शल महोदय बताते हैं कि उपयोगिता को हम संख्यात्मक रूप में मुद्रा रूपी पैमाने पर उसका मापन कर सकते हैं। मार्शल महोदय कहते हैं कि हम जो है किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, उपभोग करने के लिए, जो वस्तु के बदले जो मुद्रा हम अदा करते हैं, जो देते हैं मुद्रा को, वही वस्तु की उपयोगिता होती है। ये संख्यात्मक माप होती है। माना कि हम 10 रुपये किसी पेन के लिए अदा करते हैं, वही 10 रुपये उस पेन की उपयोगिता होती है। ये संख्यात्मक रूप से मार्शल महोदय ने इसका मापन किया है। इसकी आलोचना गणनावाचक विधि का हिक्स एलन पेरेटो ने किया था। इन्होंने कहा कि उपयोगिता की माप संभव नहीं है, मुद्रा का रूपी पैमाने का मूल स्थिर व निश्चित न होकर यह बदलता रहता है। हिक्स और एलन पेरेटो महोदय ने कहा कि उपयोगिता का संख्यात्मक मूल्य स्थिर व निश्चित नहीं होता है। जैसे कि पेन का मूल्य 10 रुपये है, अगर सप्लाई कम हो जाए, पेन की मांग अधिक हो जाए, तो 10 रुपये की बजाय 20 रुपये होगा। यदि किसी प्रकार का उस पर कर लगा दिया जाए तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा। तो इन्होंने कहा कि जो है उपयोगिता का संख्यात्मक माप निश्चित नहीं किया जा सकता है। और इन्होंने कहा कि एक धनी व्यक्ति के लिए किसी वस्तु की उपयोगिता कम होती है, वह निर्धन व्यक्ति के लिए अधिक होती है। अर्थात उपयोगिता समय एवं परिस्थितियों के साथ बदलती रहती है, उसे निश्चित अनुपात में कैसे मापा जा सकता है। अतः हिक्स ने इसके स्थान पर उपयोगिता के क्रमवाचक दृष्टिकोण को अपनाया। तो हिक्स महोदय बता रहे हैं हमको कि जो है उपयोगिता निर्धन व्यक्ति के लिए अधिक और धनी व्यक्ति के लिए कम होती है। तो जैसे हमने अभी चर्चा कर रहे थे कि पानी की, तो निर्धन व्यक्ति के लिए पानी की एक बिस्लेरी की बोतल 20 रुपये अदा करता है, जबकि जो धनी व्यक्ति है उसी पानी के लिए अधिक रुपए अदा करने संभव समझता है, और वो जो है नॉर्मल पानी से अधिक अच्छा पानी पीना चाहता है। तो ये जो है, एक धनी व्यक्ति के लिए किसी वस्तु की उपयोगिता कम होती है और निर्धन व्यक्ति के लिए वस्तु की उपयोगिता अधिक होती है, यह समय एवं परिस्थितियों के साथ बदलती रहती है। तो हिक्स और एलन पेरेटो महोदय ने इसको जो है आलोचना करते हुए, गणनावाचक विधि की आलोचना करते हुए क्रमवाचक विधि को अपनाया। इन्होंने कहा कि उपयोगिता परिमाणात्मक स्वरूप पे होती है,
उपयोगिता का विश्लेषण नवीन रूप से क्रमवाचक रूप में अपनाया जा सकता है। इन्होंने कहा कि उपयोगिता केवल तुलना की जा सकती है, उसको क्रम में बताया जा सकता है, ना कि उसको संख्यात्मक माप में या जो है उसके संख्या के आधार पर उसका माप नहीं किया जा सकता है। इन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जैसे हमको भूख लगी है, हम पहली रोटी का टुकड़ा खा रहे हैं और दूसरे रोटी की टुकड़ा खा रहे हैं, फिर तीसरे रोटी का टुकड़ा खा रहे हैं, तो इससे हम यह बता सकते हैं कि पहले रोटी के टुकड़ा खाने से उपयोगिता हमको कितनी मिली और दूसरी रोटी के टुकड़ा खाने से हमको उपयोगिता कितनी मिली। तो ये हम क्रम के रूप में बता सकते हैं कि हमने जब पहला निवाला खाया तो हमको थोड़ा सा अच्छा लगा, और दूसरा निवाला खाया तो थोड़ा और अच्छा लगा, तीसरा निवाला खाया तो थोड़ा और अच्छा लगा। तो ऐसे हम उपयोगिता को क्रम के आधार पर बता सकते हैं, ना कि उसके जो है संख्या के आधार पर उसका हम बता सकते हैं उसको जो है। आगे हम चर्चा करेंगे उपयोगिता के प्रकार पे। तो उपयोगिता मुख्यतः दो प्रकार की होती है, पहली सीमांत उपयोगिता, दूसरी कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपयोगिता होती है। तो बोल्डिंग महोदय के अनुसार सीमांत उपयोगिता वस्तु की एक अतिरिक्त अंतिम इकाई के परिणाम स्वरूप जुड़ने वाली उपयोगिता है, जो कि हम इकाइयों के उत्तरोत्तर क्रम से जो उपयोगिता हमको प्राप्त होती है उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता प्रायः तीन प्रकार की होती है, पहली होती है धनात्मक सीमांत उपयोगिता, दूसरी शून्य सीमांत उपयोगिता और तीसरी ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। हम इन तीनों के बारे में भी चर्चा करते हैं कि ये कैसे प्राप्त होती है। तो वस्तु की इकाई की प्रारंभिक उपभोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। जैसे हम किसी हमको प्यास लगी है और हम पानी पीना चाह रहे हैं, तो पहले ग्लास का जो पानी हम पीते हैं तो उससे जो हमको उपयोगिता प्राप्त होती है हमको वो धनात्मक रूप में प्राप्त होती है। और इसके आगे हम अगर पानी दूसरा ग्लास पीते हैं तो हमारी जो है उसकी सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, हमारी प्यास संतुष्ट हो जाती है। यदि हम ये पानी का क्रम निरंतर जारी रखें और तीसरा या चौथा या पांचवा या छठा ग्लास पिएं तो ऐसा होगा कि हमको जो है उस पानी से उल्टी हो सकती है और वो जो है पानी हमारे लिए निगेटिव हो सकता है। तो ये जो है उससे जो हमको उपयोगिता प्राप्त होगी वो ऋणात्मक रूप में प्राप्त होगी। तो अब हम चर्चा करेंगे कुल उपयोगिता के बारे में। कुल उपयोगिता उपभोग की गई वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली समस्त सीमांत उपयोगिताओं के योग को हम कुल उपयोगिता कहते हैं। प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार किसी वस्तु के उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं का योग कुल उपयोगिता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपयोग करता है तो उसे वस्तु की प्रत्येक इकाई से कुछ न कुछ उपयोगिता प्राप्त होती है। वस्तु की इन समस्त इकाइयों का योग ही कुल उपयोगिता है। तो मेयर्स महोदय बता रहे हैं हमको कि हम किसी वस्तु की जितनी इकाइयां हम उपभोग कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, उससे हमको कुछ न कुछ उपयोगिता प्राप्त होती रहती है। और इन समस्त इकाइयों के उपभोग या उपयोग से जो उपयोगिता हमको प्राप्त होती है इन्हीं उपयोगिताओं के योग को हम कुल उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता में संबंध पे हम चर्चा करते हैं। सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता में घनिष्ठ संबंध होता है। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को बताती है, जबकि कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता के योग को बताती है। सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती जाती है। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है। इसका जो है हम एक चित्र की सहायता से इसको देखेंगे।
कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध हम रेखा चित्र की सहायता से इसको हम समझेंगे। ये हमारा वाई एक्स है, वाई एच, ये हमारा ओ बिंदु है और यहाँ हमारा यक्स एच है। ये हमारी कुल उपयोगिता है, टोटल यूटिलिटी, और यहाँ पे हमारी जो है इकाइयों की संख्या, नंबर ऑफ यूनिट्स है। ये हमारी कुल उपयोगिता रेखा है, ये हमारी सीमांत उपयोगिता रेखा, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला संबंध कि जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि माना ए पॉइंट पे हमारी सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, कुल उपयोगिता हमारी बढ़ती हुई घटती हुई दर से ये बढ़ रही है। दूसरा संबंध, जब हमारी कुल उपयोगिता अधिकतम होती है एन बिंदु पर, हमारी कुल उपयोगिता यहां पर अधिकतम है तो सीमांत उपयोगिता हमारी, ये यहां कुल उपयोगिता हमारी अधिकतम है और सीमांत उपयोगिता हमारी इस रेखा पे शून्य है। जब हमारी सीमांत उपयोगिता घटने लगती है, यहां घट रही है, तो हमारी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कुल उपयोगिता में प्रथम दृष्टया हम देख रहे हैं कि जब कुल उपयोगिता हमारी घटती हुई दर से बढ़ रही है तो सीमांत उपयोगिता हमारी यहां पर धनात्मक है, और जब हमारी कुल उपयोगिता अधिकतम है, ये कुल उपयोगिता का मैक्सिमम पॉइंट है, तो यहां पर हमारी सीमांत उपयोगिता जीरो है, शून्य है। अब जब हमारी कुल उपयोगिता घटने लग रही है तो हमारी सीमांत उपयोगिता यहाँ पे ऋणात्मक हो जा रही है। तो ये जो है हमारे कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध को दर्शाता है। शिक्षार्थियों, आगे हम चर्चा करेंगे सीमांत उपयोगिता के महत्व के बारे में। सीमांत उपयोगिता का प्रयोग अर्थशास्त्र के समस्त क्षेत्रों, उपभोग, उत्पादन, मूल्य सिद्धांत, वितरण के सिद्धांत तथा राजस्व में किया जाता है, जिसे प्रोफेसर जेके मेहता ने बताया कि लगभग समस्त आर्थिक ढांचा सीमांत उपयोगिता के विचार पर आधारित होता है। तो जेके मेहता साहब ने बताया कि सीमांत उपयोगिता का समस्त आर्थिक ढांचा सीमांत उपयोगिता पर आधारित होता है, जो कि किसी वस्तु के उत्पादन, उपभोग और मूल्य के सिद्धांत पर कार्य करता है। धन्यवाद।